या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। नागेश्वर यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि रियाज भाई आपके पास चाय पीने आए, तो मैं उनसे कहा कि चाय पियो नागेश भाई आओ साथ में मिलकर खाना ही खाते, तो बोले कि दशरथ ग्रुप वगैरह भी आने रहे, मतलब जो भी आना चाहते हैं आपके दोस्त लोगों को लेकर आओ। तो वो आए और मुझे ऑफर दिया कि आप BRS ज्वाइन करो, हम सब लोग KCR को फॉलो कर उनके मार्गदर्शन में हम BRS में काम करने वाले हैं और उनका विजन भी है तेलंगाना में, आप देख सकते हो तेलंगाना में उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, बहुत सारी स्कीम ऐसे जो इंडिया में कहीं भी नहीं है, और आपके पार्टी के असद साहब भी उनको सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, तो आप हमारे साथ आएंगे तो हम सब मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर विकास करेंगे, विकास के मुद्दे पर ही हम अपनी पार्टी छोड़कर BRS के साथ आए हैं, आज देश को जरूरत है विकास की और हम सेकुलर पार्टी है बोलकर इस पार्टी में आए हैं, आप आएंगे तो हमारे साथ अच्छा रहेगा। तो मैं बोला कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ खुश हूँ, मैं अभी MIM पार्टी में हूँ और मुझे दूसरे पार्टी के भी ऑफर हैं कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, तो मैं बोला कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से रिश्तेदारों से दोस्तों से मशवरा कर थोड़ी मोहलत दो, एक 8-10 दिन में मैं आपको बताऊंगा अपना डिसीजन, अभी तो मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है, अगर जाना है तो अपने लोगों से मशवरा कर बताऊंगा। क्योंकि हाल ही में आपके जो MIM के पार्टी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हो या पार्टी अध्यक्ष हो किसी भी स्टेज पर आपके साथ नज़र नहीं आए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब पार्टी का जो मसला है वो सदर साहब बोलेंगे और पार्टी के जो इंचार्ज है अनवर सादत साहब, इनको फोन कर पूछो कि रियाज खराजी को पार्टी से अलहदा क्यों रखा गया है, क्यों पार्टी के प्रोग्राम में बुलाते नहीं, ये आप उनसे पूछ सकते हो। मैं तो पार्टी के लिए तो अपनी जान की बाजी लगाकर पार्टी का नाम जिंदा रखा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो 5 साल में पार्टी को जिंदा रखने का काम रियाज खराजी ने किया है, हर जगह लड़ झगड़ कर बजट लाने के लिए और MIM का नाम हमेशा चलाने के लिए मैंने ही आवाज उठाई है और उसके लिए आंदोलन किया। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।